द स्ट्रेन होती है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड देयर इज चेंज इन कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये देखा हमने, फिर इंटरनल फोर्सेस क्रिएट होते हैं वो फर्दर डिफॉर्मेशन को रोकते हैं। तो दिस बॉडी इज सेट टू बी स्ट्रेन और डिफॉर्म। ठीक है, तो कभी भी स्ट्रेन का मतलब जो होगा चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन होगा। ठीक है, जनरल डेफिनेशन है स्ट्रेन की। तो जिस तरह से आपने तीन स्ट्रेस पढ़ी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको आप शियर स्ट्रेस बोलते हैं या वॉल्यूम स्ट्रेस, तो उन तीनों के अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेन अलग अलग डिफाइन की गई है। ठीक है, बट सब में जो जनरल फार्मूला यूज है स्ट्रेन का वो यही है, चेंज इन कॉन्फिगुरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगुरेशन। तो अगर आप इसको खींच रहे हैं, किसी रॉड को खींच रहे हैं, तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रॉड है, आपने दोनों तरफ फोर्स लगा के इसको इस तरह से इसकी लेंथ को एक्सटेंड कर दिया, तो इसमें जो स्ट्रेस है वो कौन सी है, नॉर्मल स्ट्रेस है। किसी भी पॉइंट पर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या कहलाएगी, आपकी नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगी या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कैटेगराइज कर देता हूँ पहले इनको, स्ट्रेन को भी। देखो आप एक बार, तो स्ट्रेन में कौन कौन सी आती है, स्ट्रेन में आती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आती है एक, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, या फिर इसको नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जब नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है तो जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगा। और अगर आपके टेंजेंशियल फोर्स ही है सरफेस पर, अब दोनों हैं फिर तो दोनों हो सकती है, लेकिन जनरली एक तरह की होती है। ठीक है, आपका नॉर्मल स्ट्रेस है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के फोर्स परपेंडिकुलर है, तो उससे जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगी। अगर आपका शियर फोर्स है सरफेस के पैरेलल, तो जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है वो शियर स्ट्रेन कहलाएगी। ठीक है, और जो आपका पूरे वॉल्यूम को डिफॉर्म करने के लिए है तो वो आ गई आपकी वॉल्यूम स्ट्रेन होगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, कि आपकी एल लेंथ थी रॉड की, मान लो इस तरह से आपने दोनों तरफ फोर्स लगा के इसकी लेंथ को एल प्लस डेल्टा एल कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखो स्ट्रेन का मतलब है चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या कहलाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल था सरफेस के, कुछ लेंथ बढ़ जाएगी इसकी डायरेक्शन में इधर आप खींच रहे हो, तो इसका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। इस तरह से शियर स्ट्रेन क्या होगी, जब शियर स्ट्रेस लगेगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। बट इसको देखो डिफाइन कैसे करा है शियर स्ट्रेन को, शियर स्ट्रेन का मतलब है आपका इस तरह का, मान लो आपका बॉडी है इस तरह की, यहाँ पर आपने बेस इसका फिक्स कर रखा है। ठीक है ना, बॉडी डिफॉर्म होके ऐसी हो गई, मान लो बॉडी डिफॉर्म होके इस तरह की हो गई। ठीक है ना, आपने इसको फिक्स कर रखा है, ऊपर से इसको धक्का मारा, तो ये डिस्टेंस मान लो एक्स है और ये कितनी आपकी कैपिटल एल है, ये लेंथ मान लो एल है, एल ही रख देते हैं इसको। ठीक है, तो आपका इस पर फोर्स कैपिटल एफ लग रहा है और ये बॉडी इस तरह से डिफॉर्म हो जाती है। तो ये स्मॉल एंगल होते हैं बेटा बहुत, इसको आप थीटा बोलो, साइन थीटा बोलो, टेन थीटा बोलो, कुछ भी बोलो, तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी एक्स बाई एल, इसको हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो शियर स्ट्रेन इक्वल टू एक्स बाई एल, दोनों सरफेसेस ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हो गई, डिवाइडेड बाई दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस। तीसरा, जैसा आपने वॉल्यूम स्ट्रेस पढ़ी थी या हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, आपने लिक्विड में डुबो के जैसे इसको चारों तरफ से फोर्स लग गया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम अगर कम हो गया तो वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाती है डेल्टा वी एम। अब ये कम ज़्यादा हो तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव बोला जाए,
लेंथ बढ़े या घटे, आप दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते थे, दब भी सकता था, तब भी स्ट्रेन क्या बोली जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल बोली जाएगी। ठीक है, अगर शियर स्ट्रेन होगी तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव का, तो इसमें तो डिफॉर्म ही आएगा, एक्स हो गई कैसे भी हो, तो एक्स बाई एल हो जाएगी। यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे स्ट्रेन को। ठीक है ना, स्ट्रेन को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, साइन का कोई मीनिंग नहीं है, चेंज अपॉन ओरिजिनल है, चेंज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ठीक है, इसमें नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है कि आप सोचो नेगेटिव से कुछ स्पेसिफाई होगा, ऐसा नहीं है। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून आर्यन, आर्यन 8 o'clock पे कॉल कर सकते हो, अभी मैं क्लास है मेरी, है ना, या मैं 7 पे मैं करता हूँ आपको, 7 o'clock पे। ठीक है, ओके ओके, आप ठीक है, ओके। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा वी अपॉन वी आपकी वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगी। तो अब हम उस लॉ पढ़ेंगे बेटा। तो ये था पूरा स्ट्रेन के बारे में।